दोस्तों आईपीएल 2023 में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया और इस मैच के खत्म होते ही आईपीएल के पॉइंट टेबल के इक्वेशन में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल का मैच हारने के बाद कोलकाता के पास कौन सा आखिरी रास्ता है जिसके तहत कोलकाता प्लेऑफ में जा पाएगी और इसके साथ ही कौन कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, क्या आरसीबी की टीम इस साल प्लेऑफ में जाएगी या नहीं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी 10 टीमों के प्लेऑफ में जाने के प्रोबेबल चांस के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल के मैच में राजस्थान ने कोलकाता को हरा दिया और इसके बाद पॉइंट टेबल का इक्वेशन काफी ज्यादा जटिल हो चुका है। तो वन बाय वन सभी 10 टीमों के प्लेऑफ में जाने के प्रोबेबल चांस के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिल्ली कैपिटल्स से। तो दिल्ली कैपिटल्स के 11 मैच में 8 अंक है और इनका नेट रन रेट पूरे पॉइंट टेबल में सबसे खराब है। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के प्लेऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो गई, यानी कि अब दिल्ली प्लेऑफ में नहीं जा पाएगी। और इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात करें तो हैदराबाद के 10 मैच में 8 अंक है और हैदराबाद का नेट रन रेट भी माइनस में है। तो हैदराबाद के पास अभी एक चांस है कि ये टीम प्लेऑफ में जाएगी और इसके लिए हैदराबाद को बचे हुए चारों ही मैचों को जीतना पड़ेगा। और इसके बाद बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, जिनके बारे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं। तो कोलकाता के फिलहाल 12 मैच में 10 अंक है और कोलकाता का नेट रन रेट माइनस में बहुत ही ज्यादा खराब है। तो कोलकाता को अगर प्लेऑफ में जाना है तो इनको पहले तो बचे हुए दोनों मैचों को जीत करके 14 अंक बनाना पड़ेगा, लेकिन इस साल 10 टीमें खेल रही है तो 14 अंक के साथ प्लेऑफ में जाने का बहुत ही मिनिमम चांस है, यानी कि आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 99.9% कोलकाता प्लेऑफ से बाहर हो गई। और अगर ये टीम प्लेऑफ में जाएगी भी तो इनको किस्मत का आवश्यकता होगा, जो कि बहुत ही कम चांस है कि कोलकाता प्लेऑफ में जा पाए। और इसके बाद पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में बात करें तो इन दोनों ही टीमों को 11-11 मैच में 10 अंक प्राप्त हुआ है और दोनों टीमों का नेट रन रेट सिमिलर है। तो यहां पर से आरसीबी और पंजाब को प्ले ऑफ में जाने के लिए सबसे पहले तो बचे हुए तीनों मैचों को जीतना पड़ेगा और यहां पर से अगर आरसीबी या पंजाब में से कोई भी टीम एक मैच हारेगी तो वो टीम प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। तो बेंगलोर को बचे हुए तीनों मैचों को विन करना पड़ेगा। वहीं इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट के बारे में बात करें तो लखनऊ के फिलहाल 11 मैच में 11 अंक है और लखनऊ को प्ले ऑफ में जाने के लिए बचे हुए तीनों मैचों को जीतना पड़ेगा। और अगर बचे हुए तीनों मैचों में लखनऊ जीतेगी तो ये टीम 100% इस साल प्ले ऑफ में चली जाएगी। और इसके बाद मुंबई इंडियंस के बारे में बात करें तो मुंबई के 11 मैच में 12 अंक है और राजस्थान रॉयल्स के भी 12 मैच में 12 अंक है। तो राजस्थान को प्ले ऑफ में जाने के लिए यहां पर से बचे हुए दोनों मैचों को जीतना पड़ेगा। वहीं मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ में जाने के लिए बचे हुए तीन में से दो मैचों को जीतना पड़ेगा और मुंबई का सामना आज मजबूत गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा। और आज अगर मुंबई हारेगी तो इस टीम के प्ले ऑफ में जाने के चांसेज बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। और इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करें तो चेन्नई के 12 मैच में 14 अंक है और चेन्नई को प्ले ऑफ में जाने के लिए बचे हुए दो में से कम एक मैच जीतना पड़ेगा और चेन्नई के फिलहाल 15 अंक है। तो चेन्नई अगर एक और मैच जीतेगी तो इनका 17 पॉइंट हो जाएगा और उसके बाद चेन्नई प्ले ऑफ में जा सकती है। वहीं सबसे अंत में गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के 11 मैच में 16 अंक और गुजरात को प्ले ऑफ में जाने के लिए ऑफिशियली जाने के लिए सिर्फ एक जीत की आवश्यकता है। वैसे तो गुजरात प्ले ऑफ में जा चुकी है। तो आपके हिसाब से गुजरात के बाद अब कौन सी तीन टीम प्ले ऑफ में जाएगी कमेंट में बताएं। और हमारे अनुसार गुजरात चेन्नई का प्ले ऑफ में जाने का सबसे हाई चांस है और तीसरे चौथे पोजीशन के लिए राजस्थान मुंबई लखनऊ और बेंगलोर में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो आपके हिसाब से कौन सी चार टीम प्ले ऑफ में जाएगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।